ये सब बच्चा लोग एकदम नॉर्मल हो गया, वरना हमको तो लगा था ये क्रिसमस उनका लिए एक बुरा याद बन कर रह जाएगा। सांता क्लॉस अब चिंता मत कीजिए, मैं अभी बच्चों की छोटी होने वाली सारी बुरी यादों को मिटा देता हूँ, ताकि बच्चे अच्छे से और खुशी से ये क्रिसमस पार्टी मना सके। सैंटा क्लॉस, आप अब तक यही हैं? आप गए नहीं? हम इसलिए नहीं गया क्योंकि हमको एक बहुत जरूरी अनाउंसमेंट करना है। अनाउंसमेंट यह है कि आज रात को क्रिसमस पार्टी मनाने के लिए हम फिर से आ रहा है तुम्हारे साथ। तैयार हो जाओ शानदार और मजेदार क्रिसमस पार्टी के लिए। देखा मेरी चॉकलेट्स का कमाल? हाँ चॉकलेट अंकल, मैं मीठा हूँ। चलो तैयार हो क्रिसमस पार्टी के लिए। हाँ! तो देर किस बात का, चलो क्रिसमस पार्टी सेलिब्रेट करते हैं। सांता क्लॉस बालवीर कहाँ है? हाँ सांता क्लॉस, हम बालवीर के बिना एक क्रिसमस पार्टी नहीं मना सकते। You are right. What a Baalveer! नाचने मिल रहा मुझे, क्योंकि हेदी बालवीर ने मुझे इस छलपरी के जादुई दंड को संभालने की जिम्मेदारी है। नहीं कोई बात, बस आ जाने दो बालवीर को, दूंगा उसे छलपरी का जादुई दंड और मनाने जाऊंगा वो जश्न। लेकिन तब तक डुबा डुबा एक रहना होगा तुम्हें संभाल के और होशियार। बम बम बोले मस्ती में झूमे, बेचारा डूबा डुबाई, कैसे बचेगा अकेले छल की बुराई की धुन के सामने। छल छल लल लल छल छल लल छल, बम बम बोले मस्ती में डोले। अरे मुझे आवाज किसी बच्चे के रोने की है, लगता मुझे है कोई बच्चा मुसीबत में। हाँ, वो मैं देखता अभी। बच्चा बेवकूफ डूबा डूबाई, कितनी आसानी से छल परी के छल रात में फंस गए। तो तुम्हें क्या लगा था तुम्हारे ही छल का जवाब हम अपने छल से नहीं दे सकते? और यहाँ पे मैं अकेला नहीं हूँ। छल परी और है उसके हाथ में जादू दंड भी।
परी की जय हो, छल परी की जय हो, छल परी की जय हो। वो कहीं कैसे करती है मुझसे? है ठीक, सुधारेगा ये मेरी गलती बालवीर। तुम लोग रुकना यही, अभी हूँ बुलाता बालवीर को। लेकिन मुझसे कोई गलती नहीं होगी डुबा डुबाई। चल पड़िए, घुमो घुमो, बालवीर। भाई की आवाज, मैंने तो उसे छलपरी का जादू डंडा संभालने के लिए दिया था। कहीं छलपरी वापस तो नहीं आ गई अपना डंडा लेने के लिए? मैं अभी जाकर देखता हूँ। बालवीर, 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 टमाटो भाई संभाल के। टमाटो भाई तुम ठीक तो हो ना? हूँ मैं ठीक बालवीर, लेकिन आई थी वो छलपरी गोपा गोपा के साथ और करके मुझ पे आक्रमण, ले गई उसका जादू दंड भी अपने साथ। करना माफ मुझे बालवीर, नहीं कर पाया मैं उसकी सुरक्षा। और भाई तुम चिंता मत कर, बुराई चाहे जितनी भी ऊंची उड़ान भर ले, लेकिन अच्छाई उसे पिंजरे में कैद करके ही रहती। मैं भी देखती हूँ बालवीर, इस बार तुम मुझे बुराई की उड़ान भरने से कैसे रोकते हो। इस बार मैं बुराई के ऐसे पंख फैलाऊंगी कि अच्छाई की आंखों के आगे अंधेरा छा जाएगा। नटखट परे, नटखट परे, हो कहाँ आप नटखट परे? चेहरा सुंदर बनाने वाला लेप, हाँ, इसकी खुशबू तो बहुत अच्छी, जरूर इसे लगाने से होती है परिया सुंदर। लेकिन मुझे है क्या जरूरत इसकी, मैं तो पहले से ही बहुत खूबसूरत। लेकिन और थोड़ा खूबसूरत होने में है क्या हर्ज? खुशबू, अब दिख रहा हूंगा मैं परियों से भी सुंदर। वाह, अब हो जाता मैं बाहर, अरे देख के मेरा ये सुंदर चेहरा जल उठेंगे सब। ए, क्या देख रहे हो? लग रहा हूं ना मैं सुंदर? हंस क्यों रहे तुम मुझ पे? वो लग रहा है ना मैं सुंदर? सुंदर, अति सुंदर। ये तारीफ या ताना? ताना है, जलते तुम सब मुझ पे। लो आ गई परिया, पूछता उनसे। क्यों परियो, वो लग रहा ना मैं आपसे भी सुंदर? हंस रहे आप सब भी मुझ पे? पर क्यों? रुको डुबा डुबा, एक ये लो, इसमें अपना चेहरा देखो। नटखट परी हो गई मेरी शक्ल ऐसी कैसे? कीजिए कुछ नटखट परी, कीजिए कुछ। पहले तुम ये बताओ डूबा डूबाए, ये सब कुछ हुआ कैसे? नटखट परी
जरा आएंगे वहाँ, है करनी वार्तालाप आपसे। आइए चलो। आइए आइए। वो क्या है ना नटखट परी, दरअसल है किया मैंने उपयोग आपके चेहरा सुंदर बनाने वाले लेप का। क्या तुम्हें ऐसे बिना जाने मेरी प्रयोगशाला में से किसी भी चीज का उपयोग नहीं करना चाहिए? हो गई गलती मुझसे नटखट परी, हूँ मैं पकड़ता अपने कान, हो गई गलती, कीजिए मुझे माफ, कीजिए कुछ नटखट परी, कीजिए कुछ। मुश्किल है डूबा डूबाए। हाँ वो क्या है ना, मैंने मैंने अभी तक इस लेप का पूरी तरह से परीक्षण नहीं किया है, तो तो नटखट परे तो क्या रहूंगा मैं ऐसे ही। मैं कोशिश करती हूँ। शुक्रिया नटखट परे। गया बदल मेरा चेहरा? हाँ, 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 बिल्कुल बिल्कुल बदल गया। अच्छा जरा देखो तो। किया क्या आपने मेरे चेहरे का हाल? अटकती परी कीजिए एक काम, आप कर दीजिए ये मेरा चेहरा ठीक फिर से। ठीक है कोशिश करती हूँ। विचार परी कीजिए आप कोई जादू, कर दीजिए मेरा चेहरा फिर से ठीक। मेरे विचार शक्ति से तुम्हें दर्द भी हो सकता है। ऐसे चेहरे के साथ घूमने से तो है अच्छा दर्द सही ना। विचार परी वो मैं जानता, कर रही आप सब मजाक मेरे साथ। अभी जाता हूँ बाल परी के पास और करता आप सबकी शिकायत, वही करेगी आप सबको ठीक और मुझे भी। अभी जाता हूँ। अरे रुको भाई, अरे अरे रुकिए। मोंटू तुम दोनों चुप क्यों? हंसो। आप हंसे? नहीं मानो बेहद, लेकिन बस हमें हमेशा तो हंसी आप पर ही आती है। चुप। मानो 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 तो ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, पर अब मोंटू ठीक नहीं रहेगा। अच्छा हुआ मानो तूने इसे रोक लिया, वरना बॉस को यहाँ से जाना पड़ता, मतलब आज बल्लू का बुरा हाल हो जाता। मानो शायद से तुम भूल गए, तुम्हें स्कूल में जाते वक्त मुझे पूरा भला कहकर जाना था। हाँ क्योंकि जब तक बॉस की सुबह सुबह हिंसल नहीं होती उनका पेट नहीं भरता। चुप। तो मानो की टिफिन की बात कर रहा था। मानो शायद से तुम भूल गए मैं मुझे टिफिन देकर जाना था। वाह बस वाह, पहली बार आपने समझदारी की बात की है। समझदारी की बात है ना, समझदार जैसे मानो का टिफिन लेकर आओ। ओके बॉस। खबरदार रोहित केवल, अगर मानव का टिफिन लिया तो पीट दूंगी, समझे? वेरी बैड, वेरी बैड। लगता है तुम्हें तुम्हारे मम्मी पप्पा ने सिखाया नहीं। केयरिंग। मोंटू मोंटू दे छोड़ दे। मोंटू मानो का टिफिन वापस कर दे वरना 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 ही बोलेगा क्या? कुछ तो बोल वरना। रुक जा बल्लू,
मोंटू ने मेरा टिफिन लिया तो मैं खुद उससे अपना टिफिन वापस लूंगा। बल्कि झुककर मुझे मेरा टिफिन वापस करेगा। ओए, ये मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी है ना, आज तक किसी के सामने झुका नहीं है और ना ही झुकेगा। जो मोटे है ना, इसलिए उनका पेट बीच में आ जाता है। बोल मोंटू, मुझे मेरा टिफिन वापस देता है या नहीं? टिफिन चाहिए? आकर ले ले, ले। छोड़ो, पक्का। बाल परे, क्या हुआ डुबा डुबा? हंस लीजिए, आप भी मुझ पे बाल परे हंस लीजिए। अरे लेकिन हम पूछ रहे कि आपके चेहरे की ये हालत किसने बनाई? इन सब परियों ने है किया मेरा ये हाल। डुबा डुबा, हम तो तुम्हारी मदद कर रहे थे। मदद की थी? बल्कि बाल परी, डूबा डूबा एक ने मुझसे बिना पूछे मेरी प्रयोगशाला में से मेरे बनाए हुए सुंदर बनाने वाले लेप का उपयोग किया, इसीलिए इसका ये हाल हुआ है। तो मांग ली थी ना मैंने उसकी भी माफी। हाँ, क्योंकि गलती तुमने की है डूबा डूबा। अच्छा है, ठीक हूँ, मांगता मैं आपसे माफी फिर से। ये लो, कीजिए मुझे माफ, कीजिए मुझे माफ, कीजिए मुझे बस, माफ। बस 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 डूबा डूबा एक बस, बहुत होगी माफी। और परियो, माना कि डूबा डूबा एक से गलती हुई है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप सब मिलकर उसे इतना परेशान करो। डूबा डूबा एक हमारी कितनी मदद करते हैं। तो अगर वो परीलोक में नहीं होते तो परीलोक का एक भी काम ठीक से नहीं हो पाता। हाँ बाल परी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इसीलिए तो हम डूबा डूबा एक से इतना प्यार करते हैं और इसीलिए कभी कभी शरारत भी कर लेते हैं। अच्छा तो बदल दीजिए आप फिर से मुझे। हाँ हाँ, अभी कर लेते हैं। शुक्रिया बालपरी, शुक्रिया। डूबा डूबा एक, आप बिल्कुल सही समय पर आ गए यहाँ। क्यों, था कोई जरूरी कार्य मुझसे आपको? हाँ, बहुत जरूरी कार्य है और उस कार्य को पूरा करने के लिए आपको अभी इसी वक्त जीवन लोक जाना होगा। जीवन लोक? जीवन लोक? जीवन लोक वो लोक है जहाँ से विचित्र गुप्त जी जीवन आत्मा भेजते हैं। विचित्र गुप्त जी है ये कौन?